नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रूरल 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दीजिए खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में हर साल की तरह इस साल भी आज विमल मार्केट सदर बाजार मक्खनपुर में नव दुर्गा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना की गई, जिसकी कलश शोभा यात्रा जेवरा चौराहे से लेकर गाजे बाजे के साथ सदर बाजार होते हुए विमल मार्केट पहुंची। शोभा यात्रा का उद्घाटन दिनेश बघेल द्वारा किया गया। शोभा यात्रा में सुरक्षा में पुलिस चौकी इंचार्ज रविशंकर निषाद साथ ही रहे। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा के साथ स्वागत हुआ, जिसमें सौरभ चतुर्वेदी उर्फ पल्लू ने सभी कलश वाली महिलाओं को शॉल पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। ये प्रोग्राम 10 दिन चलेगा, जिसमें 1 अक्टूबर 2022 को विशाल देवी जागरण का प्रोग्राम है, 4 अक्टूबर को महाप्रसादी होगी, वहीं 5 अक्टूबर को माता रानी की विसर्जन शोभा यात्रा है। राजेश गुप्ता के साथ देखिए रिपोर्ट। आज किसका उद्घाटन किया था जी? आज नव दुर्गा महोत्सव। क्या क्या प्रोग्राम आज? आज कलश उठाकर शोभा यात्रा, चुनरी पहनाकर शोभा यात्रा का प्रोग्राम था। और क्या प्रोग्राम है इसमें आज के बाद? आज के बाद प्रोग्राम है, सोमवार को 26 तारीख सुबह 9 बजे कलश यात्रा आज की थी, और माता रानी हवन प्रतिदिन 26 तारीख सुबह 8 बजे से, देवी जागरण शनिवार 1 तारीख 10वां महीना 2022 शाम 6 बजे। ये कलश यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? जेवरा तराय से लेकर बजट 17,000 होती हुई विमल मार्केट तक। आज इस किसका उद्घाटन हुआ था? आज नव दुर्गा सेवा समिति ने माँ दुर्गा की प्रतिमा का विमल मार्केट में स्थापना की है, उसका उद्घाटन दिनेश कुमार बघेल द्वारा किया गया। कहाँ से शुरू हुई थी ये? ये जेवड़ा चौराहे से शुरू होकर बैंक चौराहे से सदर बाजार होती विमल मार्केट में पहुँची। इसमें क्या क्या प्रोग्राम होंगे? इसमें 1 अक्टूबर को देवी जागरण का प्रोग्राम है, और 4 अक्टूबर को इसमें महाप्रसादी होगी, और 5 अक्टूबर को माता की शोभा यात्रा निकालकर विसर्जन यात्रा संपन्न होगी। कब विसर्जन होगी? क्या दिन का प्रोग्राम है ये? ये 10 दिन का है।